बंदों अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कल कल सुन सावन प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी ममता दिन पर प्रभु ही न थोरी सिय निंदा कघ घोर न साए लोक विशोक बनाई बसाए बंदौ कौशल लादिस प्राची कीरत जासुस कल जग माची प्रगटेउ जह रघु पति शशि चारु विश्वसुखद खल कमल तुसारु दशरथ राउ सहित सब रानी सुप्रिसुमंगल मोरत मानी करहूँ प्रणाम करम मन बानी करहूँ कृपासुत सेवक जानी जिनहि बिराची बड़ भयाऊँ विधाता महिमा अवध राम पितु माता बंदौ अवध भू वालु स प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीने दयाल प्रिया तनु त्रिन इव परि हरहू। बाबा जी ने कहा मैं अति पवित्र श्री अयोध्या प्रिय कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ, फिर अवधपुरी के उन नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं बहुत अथाह ममता श्री राम जी की थी। आगे कहा बाबा जी ने श्री निंदक ओगनसाए कहा कि उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारी नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यापुरी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। आगे कहा कि प्रगटऊ जह रघुपति शशिचारु कि जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता
होने के कारण महिमा की सीमा है। आगे कहा, बंधु अवध भुगाल सत्य, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तो तुलसी बाबा जी ने दशरथ जी की महिमा भी यहाँ पे कही, कहा कि रामचंद्र भगवान और दशरथ जी में कितना बड़ा प्रेम था कि बिछुड़ना ये लोग एक दूसरे से बिछड़ना दशरथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया।